जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका TV24 छत्तीसगढ़ में। जी हाँ दोस्तों, वर्ष 2013 में भाजपा सरकार के द्वारा किसानों को समर्थन मूल्य पर बेचे गए धान पर प्रति क्विंटल 300 रुपये के हिसाब से बोनस देने का वादा है वो घोषणा पत्र में किया गया था, मगर तत्कालीन भाजपा सरकार ने किसानों का वर्ष 2016-17 और 17-18 का बोनस नहीं दिया था। तो जी हाँ, उसी बोनस को, जो 2 साल का बकाया बोनस है, उसे बीजेपी सरकार अभी 25 दिसंबर को, जी हाँ इसी महीने 25 दिसंबर को, प्रदेश के 23 लाख किसानों के खातों में सीधे डीबीटी के जरिए ट्रांसफ़र करेगी, जिनमें करीबन 70 करोड़ रुपए की राशि किसानों के खातों में ट्रांसफ़र किया जाएगा। इसको लेकर के सहकारिता विभाग के अधिकारी भी अब पुरानी फाइल खंगाल रहे हैं और किस किसान के खाते में कितना बोनस जाएगा इसके लिए गुणा भाग में जुट गए हैं। तो वहीं आपके मन में भी सवाल ये उठ रहा होगा किसान भाइयों कि हमने 2016-17 और 17-18 में कितना धान है वो बेचा था और किस हिसाब से हमें बोनस की राशि है वो मिलेगी। तो जी हाँ, इसके लिए मैं बताऊंगा आपको कैसे कैलकुलेट करना है। जितना क्विंटल आपने धान बेचा है उसी हिसाब से 300 रुपये प्रति क्विंटल की दर से आपको बोनस की राशि है वो दी जाएगी। तो सबसे पहले आपको ये पता करना है दोस्तों कि आपने इन 2 वर्षों में कितने क्विंटल धान की बिक्री है वो की है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए 2 स्थितियां हैं। पहली स्थिति अपन देख लेते हैं कि जो जन भागीदारी की वेबसाइट है उसमें जा कर के, उसमें जो जितना भी धान की बिक्री करते हैं उसमें उसका डाटा है वो मिल जाता है। तो चलिए सबसे पहले जन भागीदारी के वेबसाइट पर जा कर के किसान का विवरण है वो देखते हैं। तो हम ये छत्तीसगढ़ शासन की जन भागीदारी की वेबसाइट पर आ गए हैं दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर धान खरीदी की जानकारी है वो दी गई होती है, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है 2023-24 और हमको चाहिए किसका, 2016-17 और 2017-18 का चाहिए। तो यहाँ पर से हमको तो विवरण मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर पिछले वर्षों का मिलेगा, यहाँ पर आपको 23-24 का मिलेगा और 22-23 का मिलेगा, जबकि हमको 16-17 का चाहिए। तो यहाँ पर आपको पुरानी जानकारी है वो नहीं मिल पाएगी दोस्तों। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए दूसरी स्थिति ये है, तो आपको अपना जो ऋण पुस्तिक, जो सहकारी समिति में आप अपना धान का विक्रय करते हैं तो वहाँ जो पुस्तिका दी जाती है कि आपने किस वर्ष कितने क्विंटल धान की बिक्री की, आपको रसीद भी दिया जाता है जब आप बिक्री करते हैं, तो उसको आप देख सकते हैं अगर आपके पास रसीद होगा तो, और पुस्तिका तो होता ही है, उसमें आप देख सकते हैं कि आपने 16-17 और 17-18 में कितने क्विंटल धान की बिक्री है वो की है, और उस अनुसार पर क्विंटल 300 रुपये से आपको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। जितना क्विंटल आपने धान बेचा है उससे 300 रुपये से गुणा कर देंगे तो आपको कितनी बोनस की राशि है, जो 2 साल का बकाया बोनस है वो मिलेगा, इसकी जानकारी हो जाएगी। तो कुछ इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं कि आपको जो 2 साल का बोनस मिलेगा वो कितना मिलेगा। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अपने अन्य मित्रों तक खबरें हैं वो ज़रूर शेयर कीजिए, और इस विषय पर आपका कोई प्रश्न है तो नीचे कमेंट सेक्शन पर ज़रूर कमेंट करके बताइए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम किसानों से जुड़ी खबरें आप सबके लिए हमेशा लाते रहते हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।